नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे बैंगन की कलौंजी। आइए देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने बैंगन लिया है 250 ग्राम, 2 प्याज, लहसुन, हरा मिर्च, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लहसुन हम छील लेंगे। आइए प्याज काट लेते हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा पीस गया है। अब इसमें हम मसाला मिला लेते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक। अब मिला लेंगे हम इसको। अब बैगन को हमको ऐसे काट लेना है, ये ऐसे। बैगन में का इसको हमको निकाल देना है थोड़ा थोड़ा। अब मसाले को हमको इसमें भरना है, हमको हाथ से भरना है, हाथ से अच्छे से भरा जाएगा। ये देखिए जितना मसाला आए हमको उतना ही भरना है इसमें। ऐसे करके ऐसे करिए, आप ऐसे भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये देखिए मसाला हमारा सारे बैगन में भर गया है। अब चलिए इसको पकाते हैं। लोहे की कढ़ाई में हम इसको बनाएंगे ताकि मसाला इसमें चिपकेगा नहीं। इसमें हम तेल डालते हैं, 2 चम्मच तेल। अब बैगन को हम इसमें रखेंगे ऐसे। अब इसको हम आंच को धीमा करके अब इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आइए हम देख लेते हैं। अब हम इसको पलट देंगे दोनों तरफ हो जाए ताकि। ये देखिए बैंगन की कलौंजी हमारी बनके तैयार है। अब आप लोग भी बनाइए और खाइए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।